तेरे हिम्मत है ना तो FIR करके दिखा भाई मेरे। ओके। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी सर। अरे हाँ सर, मैं ऑप्टेक सर्विस से बात कर रहे हो सर। सर बोलिए। जी सर, आपका नाम क्या है सर? समित अच्छा सर, आप क्या काम देखते हैं ऑप्टेक्स कंपनी का? सर, आपका नाम क्या बताएंगे आप? मेरा नाम अकबर है। हेलो। हाँ, मेरा नाम अकबर है, अकबर बात कर रहा हूँ मैं। ओके, किस रिगार्डिंग बात करना था देख सर, आपके यहाँ से क्या है, जो मेरी सिस्टर हैं सईदा, उनको कॉल और मैसेज वगैरह आ रहा है वहाँ से पैसे पे करने के लिए। किसी डेटा एंट्री का कोई काम लिया था उसके रिगार्डिंग। या तो उनका नाम बताइए। सईदा। हेलो, हाँ नाम बताइए उनका। नवदीन। जी, यस यस। मिला। हाँ सर, उन्होंने कहा, या सुन लीजिए, उन्होंने कहा अपटेक डेटा सर्विसेज कंपनी से उन्होंने एक काउंसलिंग का वर्क किया था, हाँ उसके रिगार्डिंग हमने उनको कॉल किया था और इंटरवेंशन जरूर सेंड किया था। ओके, उन्होंने अच्छा वर्क किया था, उनको वेरिफिकेशन फॉर्म में इन्फॉर्म कर दिया गया था, हमको 10 दिन के अंदर वहाँ फॉर्म टाइप करना है। अच्छा ठीक सर, है, आप कंपनी के एम्प्लॉय हो क्या? मैं जानना चाह रहा था सर। मैं कंपनी का लीगल एडवाइजर हूँ, अच्छा, लीगल मैं एडवाइजर देखती हो। हूँ। अच्छा ओके, सर, किसी भी कंपनी का आप और लीगल सर एडवाइजर उन्होंने बनने से पहले कंपनी की डिटेल्स वगैरह चेक करते हो सर? नहीं सर, अच्छा आपने वर्क लेते समय ये जरूरी नहीं समझा कि कंपनी के डिटेल्स आपको चाहिए। नहीं, एक्चुअली क्या, जब वर्क लिया था ना मेरे सिस्टर ने, एक्चुअली उस टाइम पर उसको इतना नॉलेज नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी उनके पास में, तो उन्होंने क्या कंपनी के बारे में कोई अरे डिटेल्स वगैरह अभी नहीं आप ली थी। अभी आया क्या? सुनिए, नहीं अभी आपको नॉलेज आया क्या? अभी आपको नॉलेज अकल अभी आई है आपको? जी, अभी आपने आई है वर्क लिया जी। उस टाइम क्या था कंपनी की इन्फॉर्मेशन वगैरह थी, वो सब जानकारी नहीं ले पाई थी वो। अभी जब मैंने अब सर्च वगैरह किया, जब मैंने आप कम हमारे और आपके इन्फॉर्म के लिए बता देता हूँ, आपको कंपनी का डायरेक्टर क्लाइंट नहीं है तो कंपनी की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। अच्छा, तो आप कंपनी के लीगल एडवाइजर हो? कहाँ से बात कर रहे हो सर आप, एक बार? जी हमारा लीगल इंटरवेंशन मेल आपको रिसीव हो चुका है, उस मेल के नीचे हमारा पूरा एड्रेस है, तो अरे, आप मेल को गोली करें मालूम उससे। है, आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहाँ से बात कर रहे हो? आप मत नगर, मैं भी अहमदनगर आपको से? समझ नहीं आ रहा। ओके अच्छा, अहमदनगर से बात कर रहे हो। यस। आज सुनो, आपसे ना तो मेरी सिस्टर ने काम लिया है, ना ही आपके साथ में कोई एग्रीमेंट पेपर बनाया। अगली बार से आपके यहाँ से कोई कॉल, मेल, मैसेज वगैरह उसके पास नहीं जाना चाहिए। बार बार आएगा सर, जब तक आप अगली बार कंप्लेंट नहीं करेंगे आना तब तक चाहिए। मैसेज आ जाएगी। अगर आपको गाली आएगा सर, गाली वगैरह सुनने का अगर शौक हो तो दोबारा कॉल करना, मैंने उसको बोल दिया है। अगली बार अगर कॉल मैसेज वगैरह कुछ आया, आपको जेरो लीगल एडवाइजिंग, जो कुछ करना है ना आप कंपनी के बात साथ कीजिए। करिए। ओके, आपका कंपनी का CIN नंबर है? कंपनी का रजिस्टर्ड है आपकी? आप इतने कीजिए। सारे हजारों सैकड़ों लोगों को आप बना रहे हो डेटा एंट्री एग्रीमेंट के नाम पे, आपका एग्रीमेंट लीगल है? मैं FIR की ऐसी की तैसी, अगर करना अगर मैं तेरे को खुली चेतावनी, अगर तेरे पास हिम्मत है ना तो FIR करके दिखा तू अपने नाम से। मुझे एक FIR कॉपी ना थाने में भेज के दिखा, और अगर हिम्मत है तो अपना लीगल एड्रेस मुझे लिखा के दिखा मुझे एक बार। चालू रखिए, उनके नंबर पर मैसेज आ जाएगा। ओके मैसेज को गोली मारो मुझे, अपना एक बार लीगल एड्रेस बोलो ना। एड्रेस क्या है आपका, परमानेंट एड्रेस, जहाँ पर मैं आपसे मिल सकूँ मैं? 16 सर, उनको मैसेज सेंड कर रहा हूँ। ओके, उनको लीगल ओ हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार मुझे अपना एड्रेस बोलो ना, कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो? अरे तुझे कितने बार समझ गया, समझ नहीं आ रहा क्या? अहमदनगर से बोल रहा हूँ, अहमदनगर जो तेरे एग्रीमेंट के अंदर एड्रेस है ना, वो एड्रेस सही नहीं है। उसमें मैंने बंदा भेज के चेक किया, वहाँ पे कोई कंपनी नहीं है इस नाम की, ना ही कोई बंदा है वहाँ पे। तो तू आ गया इधर, तुझे बताता हूँ। मैं आता हूँ, मुझे एड्रेस देना एक बार। हेलो, या हाँ एड्रेस लिखाओ ना मुझे एक बार, मैं एड्रेस लिखने के लिए यहाँ रेडी बैठा हूँ मैं। आप एक बार एड्रेस मुझे दीजिए एक बार। मैसेज चेक करना बोल दीजिए उन्हें। सही था एक बार, सही था एक बार, मैसेज आपको चेक करना। मैसेज चेक करने के लिए बोल दीजिए उनको।
अच्छा सही था, एक बार मैसेज चेक करना। अच्छा उनका लास्ट डेट है ओके, क्या आज क्या जिंदगी भर चार्ज नहीं पे करेगी वो? मैंने बोल दिया जिंदगी भर चार्ज, तेरे हिम्मत है ना तो एफ आई आर करके दिखा भाई मेरे। तुम्हारा जितना भी जो गैंग है ना, जो ग्रुप है ना डेटा एंट्री के रिगार्डिंग, अगर एक एफ आई आर तुम करके दिखा दो ना, एक एफ आई आर करके दिखा दो लीगली। भाई साहब कॉल काट दिया बंदे ने, बंदे ने कॉल काट दिया। सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक ही धमकी है, लीगल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट में आपके पास मैसेज गया है, मेल गया है, चेक करिए। अगर ये एक एफ आई आर करते हैं तो इनका पूरा गैंग, पूरा गुर्गा आसानी से पकड़ में आ सकता है। आप लोगों को कई सारी वीडियो बना के बता चुका हूं मैं, एक सिंगल पैसा पे मत करिए, अच्छे से बात करिए इनसे। इनसे जितना डरोगे आप, इनसे आप जितना डरोगे उतना आपको ज्यादा डराएंगे। और इनको एक पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। जो अहमदनगर का जो एड्रेस बोल रहा था बंदा, ये एग्रीमेंट के अंदर आया हुआ है, सेम एड्रेस सैकड़ों एग्रीमेंट पेपर के अंदर आया हुआ है मेरा। आगे वीडियो के अंदर मैं आपको एग्रीमेंट पेपर दिखाऊंगा, इसका जो इसका एग्रीमेंट पेपर है ना वो आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर, और प्लस ऐसे ही एड्रेस और भी दिखाऊंगा, और भी एग्रीमेंट पेपर पड़े हुए हैं मेरे पास में जिन पे एड्रेस सेम है। जब बंदे को मैंने ज्यादा फोर्सफुली बात करना चालू किया तो आपने देखा कॉल काट करके भाग गया बंदा। ये इनकी इतनी औकात नहीं कि एक लीगल एफ आई आर करके दिखाएं। अगर एक लीगल एफ आई आर होती है, एफ आई आर लिखने से पहले अपना खुद का आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ता है, अपना लोकल एड्रेस वगैरह लिखाना पड़ता है। ऐसी हवा में एफ आई आर नहीं बन जाती। जैसे हवा में लीगल एग्रीमेंट बनाते हैं ना, एक आधार कार्ड या कोई आई डी प्रूफ देने के बाद में एग्रीमेंट पेपर बना लेते हैं ना ये लोग, ऐसे नहीं बनता। पुलिस एफ आई आर पूरे प्रोसीजर के साथ में होती है। मैं चाहता हूँ अगर ये एफ आई आर करता है ना बंदा, तो इनका पूरा का पूरा गुर्गा, पूरा का पूरा जो गैंग है, आसानी से पकड़ में आ सके। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आपको सचेत रहना होगा। किसी भी कॉल मैसेज का रिप्लाई मत करो। सबसे पहले तो आपको पहले एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी कंपनी के साथ में ऐसी ऑनलाइन एग्रीमेंट के नाम पर ठगी ना करने दें, ठगी का शिकार ना बने। कोई भी एग्रीमेंट पेपर ऐसे यूं ही साइन ना करें, ये तो इनका फ्रॉड है। लेकिन फिर भी अगर कोई लीगल भी आता है कहीं से भी कोई भी, तो उसको साइन ना करें, अच्छे से पढ़ें उसको, अपने फैमिली मेंबर के साथ में उसको डिस्कस करें, किसी की लीगल एडवाइजरी वगैरह लें उनसे, उसके बाद चीज़ें चालू करें, सुचारू करें। यूं ही हवा में एग्रीमेंट पेपर आप ना बनाएं, किसी के चंगुल में ऐसे ना फंसें। और पैसा पे करने की जहाँ बात आई, एक पैसा पे मत करिए। हमारे देश की पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत सहयोगफुल है, आज की डेट में बहुत अच्छा सहयोग करती है। कोई भी क्राइम हो, क्राइम के प्रति तुरंत अलर्ट हो जाती है, चाहे यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कुछ कहीं की भी, ऑल इंडिया की पुलिस, कहीं की पुलिस हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। आप जाइए उनके पास, सारी प्रॉब्लम बताइए, एफ आई आर लिखने से पहले आपको सोल्यूशन देंगे। अगर आपको फिर भी ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है कि कंपनी वाले ज़्यादा आपको ट्रेड कर रहे हैं, तो एक एफ आई आर लिखाइए। साइबर क्राइम के मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ आपकी भूल की वजह से, आपकी नकारात्मक सोच के वास्ते कि पुलिस में जाएंगे, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। साइबर क्राइम में जाइए, एक एफ आई आर लॉन्च कीजिए, वहाँ पे साइबर क्राइम वाले ऑटोमेटिकली उनको हैंडल कर लेंगे। आप एफ आई आर लिखाते क्यों नहीं, क्यों डरते हो? कई एक यूजर ने मेरे ने एफ आई आर लिखा रखी है, कोई परेशानी नहीं, उनको एफ आई आर लिखाया है, पुलिस अपना, जो साइबर क्राइम वाले अपना काम करते हैं बहुत अच्छे से, आपको कोई प्रॉब्लम, जो पहले बोलते थे लोगों की अवधारणा आज भी यही बनी हुई है कि एफ आई आर कराएंगे तो बार बार पुलिस बुलाएगी, बार बार पुलिस घर पर आएगी, फैमिली में, परिवार में, समाज में, मोहल्ले में इज्जत खराब होगी पुलिस आ रही है। कोई पुलिस बार बार नहीं आएगी आपके घर पर, आपका नंबर नोट डाउन करेगी, नंबर से जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आपसे चाहिए होगी, नंबर से इन्फॉर्मेशन आप ले ली जाएगी। आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत बार बार नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एफ आई आर साइबर क्राइम के रिगार्डिंग करके एस पी ऑफिस में जाइए, नज़दीकी एस पी ऑफिस में जाइए, वहाँ पर एक एफ आई आर कीजिए। और इसका मैं गारंटी देता हूँ, ये कोई एफ आई आर नहीं करेगा। ये अगर इस बंदे को मैं दोबारा फ़ोन करूँ ना, तो बंदा फ़ोन तक रिसीव नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन अच्छी है, अगर आपको कॉन्फिडेंस हुआ हो, अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो मैसेज करिए, कमेंट करिए, और मेरा इंस्टा आई डी पर जाकर मुझे फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद वहाँ मैसेज ड्रॉप करिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं तो और लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाती है। ये लोग हजारों सैकड़ों लोगों को अपनी जो चंगुल उसमें फंसाते रहते हैं लेकिन वहाँ तक वीडियो नहीं पहुँचती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे वीडियो, तो शायद हो सकता है हम सबकी मदद हो सके। आपके 24/7 में इंस्टाग्राम पर अवेलेबल रहता हूँ, आप हर एक आप मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, सिर्फ वहाँ पर फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद मेरे पर नोटिफिकेशन आती है और जो भी इनबॉक्स के अंदर मैसेज वगैरह आते हैं वो उनका प्रॉपर रिप्लाई देता हूँ मैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।